तो इनडाइजेशन से बचने के लिए सभी लोगों को भोजन के संदर्भ में इस सिद्धांत को अपनाना ही चाहिए, किंतु आज हमने इसको उल्टा कर दिया। जो हमारा एसिडिक भोजन है, जो अम्लीय भोजन है, वो 80% है और क्षारीय भोजन 20% हो गया। इसका परिणाम है कि परिवार में, समाज में तमाम लोग इनडाइजेशन से पीड़ित हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को अपच जैसी बीमारी की तरफ प्रेरित करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि व्यक्ति के पाचन संस्थान का स्वास्थ्य या व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य मुख्यतः उसके आहार और पोषण पर निर्भर करता है, और इस आहार और पोषण का संबंध हमारे मन और आत्मा से भी है। अर्थात आहार स्वास्थ्य और मन से अंतर संबंधित है। इनसे संबंधित अनेक प्रकार के अनुसंधान विभिन्न कंट्रीज में किए जा चुके हैं। इसका मैं एक आध उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। विश्वविख्यात जैविक आहार विशेषज्ञ डॉक्टर एन बिगमोर ने एक अद्भुत प्रयोग का उल्लेख किया है, आप ध्यान दें इस पे। चूहों के दो समूह को बनाया उन्होंने, उनमें से एक समूह को मांस मदिरा इत्यादि उत्तेजक खाद्य पदार्थ दिए गए तथा दूसरे समूह को फलों का रस, घास एवं अंकुरित अन्न आदि जैविक आहार दिया गया। बाद में अध्ययन से पाया गया कि उत्तेजक खाद्य पदार्थ खाने वाले चूहों में अपच की शिकायत होने लगी और वे हिंसात्मक प्रवृत्ति के होने लगे और उनकी संख्या में तीव्र गति से कमी पाई गई। इसके विपरीत जैविक आहार खाने वाले चूहों में चमत्कारिक ढंग से उनकी पाचन शक्ति तीव्र पाई गई और उनमें प्रेम और आपसी सौहार्द का भाव था। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो उत्तेजक खाद्य पदार्थ हैं वो किस प्रकार से पाचन संस्थान को प्रभावित करते हैं, उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर बिगमोर के इस अद्भुत प्रयोग से आपको समझ में आ गया होगा। तो इनडाइजेशन से बचने के लिए एसिडिक फूड या उत्तेजक आहार से बचना आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सही रूप से स्वास्थ्य की उपलब्धि तभी होगी जब उसका पाचन संस्थान ठीक होगा और उस स्वास्थ्य की उपलब्धि होती हेतु संतुलित और जैविक आहार एवं पोषण का महत्व है। आहार और पोषण क्या है, इसको मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताता हूँ। डॉक्टर टी एफ टर्नर थे, ये बहुत ही आहार के बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे। टर्नर द्वारा लिखित
और शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक हैंडबुक ऑफ डाइट थेरेपी में बताया गया है कि पोषण एक ऐसी संयुक्त प्रक्रिया है जिसमें चेतन शरीर द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण तथा उनका उपयोग किया जाकर शरीर के पुनर्निर्माण, उसके विकास और वृद्धि आदि के कार्य संपन्न होते हैं। तो यदि हम एसिडिक भोजन करते हैं या अत्यंत तामसिक भोजन करते हैं तो इनडाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी और यहाँ पे जो पोषण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो बाधित होगा। इसके अलावा हमने सात्विक आहार को छोड़कर विभिन्न प्रकार के जंक फूड और फास्ट फूड को लेना प्रारंभ कर दिया और इस जंक फूड और फास्ट फूड के कारण मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में ही जंग लगने लगा, क्योंकि फास्ट फूड और जंक फूड बहुत ही बड़े स्तर पर इनडाइजेशन या पेट से संबंधित बीमारियों के कारण बनते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड में कई प्रकार के मिलावटी रसायन होते हैं और इनको महीनों सालों तक सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के इनमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। इनको अच्छा और आकर्षित बनाए रखने के लिए तमाम तरह के रसायनों की मिलावट की जाती है। ये सारे प्रिजर्वेटिव्स और रसायन पेट के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और पेट के स्वास्थ्य को अप्राकृतिक कर देते हैं, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित इनडाइजेशन जैसी बीमारी होने के चांस या अवसर लगातार उपलब्ध होते रहते हैं। तीसरा है स्मोकिंग। ये एक ऐसी बीमारी है जो कुछ लोग इसका इस्तेमाल स्टेटस सिंबल के लिए करते हैं या अपनी आदतों के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे रोगी भी बाद में पेट के स्वास्थ्य को, मैं इनको रोगी बोलता हूँ, ऐसे रोगी बाद में अपने पेट के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इनको इनडाइजेशन तो अवश्य ही हो जाता है, बिना इंडाइजेशन के बच ही नहीं सकते। इसलिए इंडाइजेशन से बचने के लिए शुद्ध और सात्विक आहार लेना एकदम से आवश्यक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जीवन में एक्सरसाइज, व्यायाम या योगाभ्यास का ना होना। प्राप्त किए गए भोजन के पाचन के लिए एकदम से आवश्यक है कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार हम एक्सरसाइज करें, मगर ऐसे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, उनमें इंडाइजेशन होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको नींद किन्हीं कारणों से कम आती है, उनमें इंडाइजेशन की संभावना सबसे अधिक होती है। नींद कुदरत की बहुत ही महान औषधि है। प्रॉपर नींद लेने से, गहरी नींद लेने से पाचन संस्थान के कार्य सुचारू रूप से होते हैं
पाचन संस्थान से संबंधित सारी क्रियाएं समय पर संपन्न हो जाती हैं और इनडाइजेशन होने की संभावना कम होती है। मगर ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनमें भी अपच की शिकायत बनी